दोस्तों, यदि आप HDFC बैंक नेट बैंकिंग का कस्टमर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो आज मैं आपको फॉरगेट या रिसेट करना बताऊंगा, साथ में लॉगिन करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, HDFC बैंक नेट बैंकिंग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में गूगल में सर्च करेंगे HDFC बैंक। सर्च करने के बाद आपको HDFC बैंक की वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आप ओपन कर लेना है। इस तरीके से बैंक की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से लॉगिन पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कंटिन्यू टू द न्यू लॉगिन पेज फॉर नेट बैंकिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नेट बैंकिंग का लॉगिन पेज फाइनली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना कस्टमर आईडी डालेंगे, यदि आप भूल गए हैं तो फॉरगेट कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीन स्टेप में कस्टमर आईडी फॉरगेट कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और पैन कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे कैप्चा कोड डालेंगे यहाँ पर और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा, OTP को यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर आईडी दिखाई देगी, योर कस्टमर आईडी इज, ये लिखी हुई है, इसको आप नोट करके रख लेंगे। इसके बाद आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट करना है, तो यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप लॉगिन पेज पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर अपना कस्टमर आईडी डालेंगे, यहाँ पर जो आपने अभी फॉरगेट किया हुआ है उसको डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका पासवर्ड मांगा जाएगा आपको यहाँ से, यदि आपको पासवर्ड याद है तो पासवर्ड डालेंगे, नहीं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड आप आईपिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको यूज़र आईडी या कस्टमर आईडी पूछा जाएगा। कस्टमर आईडी आपको अभी डालना है यहाँ पर और को बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन के लिए दो ऑप्शन बोला जाएगा, एक तो वन टाइम पासवर्ड और प्लस ATM कार्ड डिटेल डालना होगा, दूसरा वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का आएगा, दोनों डालना होगा। दूसरा वाला सिलेक्ट करता हूँ मैं, ईमेल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के OTP से फॉरगेट करना बताने वाला हूँ। दूसरे नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है, यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी पहले से लिखा रहेगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ यहाँ पर और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा OTP आएगा और ईमेल में OTP आएगा। दोनों OTP को यहाँ पर डालना है, SMS वाला और ईमेल आईडी वाला, दोनों डालेंगे तो आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना पिन सेट कर लेना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड ऊपर एग्जांपल के तौर पर बताया गया है, उस तरीके से आप अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे, बना लेंगे। आपका पासवर्ड पहले के तीन पासवर्ड के जैसा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, और पासवर्ड कम से कम आपका 8 अंक का होना चाहिए, 8 डिजिट का। इसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेंगे, दोनों जगह पर डाल देंगे और आई एक्सेप्ट टर्म कंडीशन पर क्लिक करेंगे, सामने टिक लगाएंगे और कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, चेंज पासवर्ड कंप्लीट, कंग्रेचुलेशंस, योर आईपिन हैज बीन सक्सेसफुली रिसेट, और क्लिक हेयर टू लॉगिन नाउ लिखा हुआ है। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर अपना कस्टमर आईडी डालेंगे, जो आपने फॉरगेट किया था वो डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और दिस इज माई सिक्योर आईडी यहाँ पर टिक लगाएंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी नेट बैंकिंग लॉगिन हो जाएगी। अब यहाँ पर यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो प्लीज कन्फर्म योर कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा हुआ आएगा, इसमें आप देख लेंगे आपका नाम, ईमेल एड्रेस और आपका पता सही है तो यस माई ईमेलिंग एड्रेस इज करेक्ट के सामने टिक लगाएंगे और कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आप मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर सामने टिक लगाएंगे, नो माई ईमेलिंग एड्रेस इज नॉट करेक्ट लगाएंगे और मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से। मैं भी कन्फर्म कर क्लिक कर देता हूँ और आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आप नेट बैंकिंग लॉगिन हो जाएगी फाइनली। अब आपको यहाँ से अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, इंक्वायरी पे क्लिक करके और बैलेंस देख सकते हैं और अपना करंट और प्रीवियस मंथ का स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे 5 साल का भी देख सकते हैं, 10 साल का भी स्टेटमेंट देख सकते हैं। अभी मैं आपको करंट और प्रीवियस मंथ का स्टेटमेंट देखना बताता हूँ और उसके बाद अपना यहाँ पर अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है।
करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है आपका, मैं सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको मिनी स्टेटमेंट देखना है तो मिनी स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड का या किसी मंथ का निकालना है तो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे और आपको कितने पेज देखना है उस उतने पेज सेलेक्ट कर लेंगे और व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटमेंट दिखाई देगा। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको किस फॉर्मेट में स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, यदि आपको टेक्स्ट में, पीडीएफ में, एक्सेल में डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मैं पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसको। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।